डिजायर्स को लेकर क्या करें, ये बॉडी माइंड का है या जो ये चला रहा है उसका है? उसी का है जो चला रहा है, जो बॉडी माइंड को भी चला रहा है. डिजायर्स सिंपली हैपन, यू कैन नॉट क्रिएट डिजायर. तुम पैदा नहीं कर सकते उनको, ना तुम पैदा करते हो. तो डिजायर्स को लेकर कोई गिल्ट नहीं रखें, डिजायर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रखें. अवेकनिंग ये है कि जब डिजायर आए तो उसको वॉच करें, उचित जान पड़ती है तो डिजायर को फुलफिल करें, एंजॉय करें. नहीं उचित जान पड़ती है तो उसको ड्रॉप कर दें, उसके पीछे नहीं भागें. जो एक अवेकन्ड पर्सन है उसके अंदर भी डिजायर्स घटती हैं, लेकिन वो उनके पीछे नहीं भागता. अब जैसे मुझे इस समय लगा कि मुझे ग्रीन टी लेनी चाहिए तो मैंने मंगा ली. आप लोग आमतौर से यहाँ आते हैं तो देखते होंगे कि मैं नहीं मंगाता, तीन तीन घंटे चार चार घंटे आप लोगों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि ये नीड थी इस समय, गला और उसका एक कॉम्बिनेशन था. तो इट्स ओके. लेकिन नीचे जाके अगर वो मुझे सूचना मिलती कि नहीं उसकी व्यवस्था नहीं है, ख़त्म हो गई बात. कोई बात नहीं, पानी से काम चला लेते. पानी नहीं होता तो छोड़ो पानी भी, कोई बात नहीं. तो डिजायर्स को ऐसे थोड़ा कैजुअल लेना चाहिए. अगर आपके रीच में है तो फुलफिल देम, इन्जॉय देम, उनके पीछे मत भागिए. और इनोसेंट हैं, हर इंसान को नेचर ने, एग्जिस्टेंस ने दी हैं, इसलिए उनको लेकर कभी गिल्ट में नहीं जाना चाहिए कि हमारे अंदर अलग अलग किस्म की, अलग अलग कलर की डिजायर्स उठती हैं, क्योंकि वो उस बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन में जैसी बन सकती हैं वैसी ही उठती हैं. सो इट्स ओके, इट्स नेचुरल.